हरिद्वार में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ गुरुकुल कांगड़ी सम विश्वविद्यालय में आयोजित महर्षि दयानंद सरस्वती की 200वीं जयंती पर बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करने पहुंचे। बता दें कि गुरुकुल कांगड़ी में विधान दिवस पर स्वामी श्रद्धानंद जी के 75वें बलिदान दिवस पर 3 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं, जिसमें कार्यक्रम के पहले दिन देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और सीएम धामी और उत्तराखंड के राज्यपाल गुरमीत सिंह शहीद कई बड़ी हस्तियां शामिल हुई। इस दौरान उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कार्यक्रम में अपने विचार रखते हुए कहा कि भारत विश्वगुरु बनेगा, जिसमें विश्वविद्यालय की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। इसी क्रम में गुरुकुल संरक्षक और बीजेपी सांसद सत्यपाल सिंह ने कहा कि स्वामी श्रद्धानंद जी ने 1902 में गुरुकुल की स्थापना की और देश की आज़ादी में गुरुकुल से जुड़े लोगों ने काफी सहयोग दिया। हरिद्वार से नरेश तोमर की रिपोर्ट। स्वामी श्रद्धानंद जी ने महर्षि दयानंद के सपनों और संकल्पों को साकार करने के लिए 1902 में स्थापित किया था, उसके लिए सब कुछ समर्पण कर दिया था। जिस गुरुकुल विश्वविद्यालय ने इस देश और विदेश को हजारों ऐसे स्नातक दिए जिन्होंने स्वराज्य के लिए, देश की आज़ादी के लिए, स्वसंस्कृति और स्वभाषा के लिए रात दिन काम किया। महर्षि दयानंद की 200वीं जयंती पर अमर हुतात्मा स्वामी श्रद्धानंद जी के 97वें बलिदान दिवस पर इस विश्वविद्यालय ने आज 3 दिवसीय वेद विज्ञान महा और संस्कृति महाकुंभ का आयोजन किया है और उसके लिए आज भारत के महामहिम उपराष्ट्रपति आदरणीय श्री जगदीप धनखड़ जी स्वयं उपस्थित हुए अपनी विदुषी धर्म पत्नी के साथ। जो विचार उन्होंने व्यक्त किए कि 2047 तक इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का जो संकल्प है कि इस देश को हम विश्वगुरु बना करके रहेंगे, पूर्ण रूप से विकसित करेंगे, उसके लिए इस विश्वविद्यालय की एक महत्वपूर्ण भूमिका होगी।